तो दोस्तों इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो आपको बुकरम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और मैचिंग कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच रहेगी और लंबाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और दोस्तों आपको इस तरह की एक बाव टाई की भी ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आपको ये बाव टाई बनानी नहीं आती है तो आप इसे मार्केट से बनी बनाई भी अवेलेबल प्राप्त कर सकते हैं, और वरना बहुत जल्दी हम आपको इसको बनाना भी बता देंगे। अब बारी आती है दोस्तों कुर्ती की। कुर्ती में दोस्तों आपको कुछ थोड़े से चेंजेस करने हैं। किस प्रकार से करने हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जब आप अपनी कुर्ती की लेंथ काटेंगे तो उसमें 1 इंच लेंथ ज़्यादा काटेंगे, और फिर उसके बाद जो आपकी कमर का नाप होता है, मतलब कि यहाँ तक जो कमर का साइज़ होता है वहाँ तक आपको अपनी कमर से ले कर चेस्ट, तीरा और कमर, ये तीनों चीज़ों में आधा आधा इंच का साइज़ एक्स्ट्रा रखना है। और रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कटिंग कर देना है। दोस्तों इसी तरह के और भी ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए आप हमें हमारी वेबसाइट पर फॉलो करें जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के डिज़ाइंस, ब्लाउज़ के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। तो हम इसे यहाँ से इस तरीके से काट कर अलग कर देते हैं। पहले अलग करने के बाद दोस्तों इस पीस को हम अभी अलग रख देते हैं, इसका कोई काम अभी नहीं है। इस पीस में हम काम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो दोस्तों हम अपने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 6 इंच है, 6 इंच का हाफ करके 3 इंच पर मार्क लगा देंगे। नेक की लंबाई आप जितनी भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान नेक की लंबाई का लगाते हैं, और ब्रॉडनेस नीचे की तरफ हमारी जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी 5 इंच। तो 5 इंच का 2.5 इंच करके निशान इस तरीके से लगा देंगे, और लगाने के बाद इस निशान को क्रॉस करते हुए मिला देंगे। तो ये तो हो गया आपके नेक का। अब आपको इसी निशान से इस तरीके से अपने स्केल को नीचे की तरफ करना है और देखना है नीचे की तरफ कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 इंच आ रहा है, तो इस निशान को हम इस प्रकार से ही सीधा कर देंगे, और सीधा करने के बाद में इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों आपका जो ये बीच में से पीस निकला है इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ अभी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 2 पार्ट हमारे अभी अलग अलग हो गए हैं। इन दोनों पार्टों पे दोस्तों हम यहाँ पर मैचिंग कपड़े से पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने दोनों पार्ट पर अपनी जो पाइपिंग है वो इस प्रकार से लगा ली है। इसके बाद दोस्तों आपके गले में से जो बीच का पैटर्न निकला था ये वाला, इसको ले लेना है। और लेने के बाद में दोस्तों इसमें देखिए हमने अपने गले की लंबाई का निशान लगाया था, इसे हम यहाँ से कट करके ऊपर वाले पीस को फेंक देंगे। बाकी बचा दोस्तों नीचे वाला पीस। इस नीचे वाले पीस का हम क्या करेंगे देखिए, नीचे वाले पीस के लिए दोस्तों हम एक कुर्ती का ही कपड़ा फिर से लेंगे, और लेने के बाद में इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद में दोस्तों इसको पहले तो हम प्रेस से फिनिशिंग के साथ इसको बैठा लेंगे। और बैठाने के बाद दोस्तों ये जो पैटर्न है बीच में से जो नेक के नीचे साइड निकला था, इसको हम इस तरीके से कपड़े पर बैठाएंगे, और बैठाने के बाद में इसकी इधर की साइड और लंबाई वाली साइड पर चाक से मार्क लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लिया है, और लगाने के बाद देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक पैटर्न हम अपना इस साइड पर ऐसे करके रखेंगे निशान को छुपाते हुए, और एक साइड पर हम अपने पैटर्न को इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे नेक की जो ऊपर की तरफ ब्रॉडनेस है वो पूरी फिक्स हो जाएगी। हम आपको थोड़ा नीचे करके दिखा देते हैं। ऊपर आपको चेक कर लेना है दोस्तों आपके नेक की ब्रॉडनेस 6 इंच तैयार है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ब्रॉडनेस भी 6 इंच तैयार है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से इसको रखने के बाद में सिलाई लगाकर पैटर्न को अटैच कर देंगे नीचे वाले को, और एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों नीचे की तरफ जो हमने निशान लगाया था उसका एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर दिया है, और बराबर में आपको क्या करना है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन की भी कटिंग कर देनी है, और अब इसको अटैच करना है।
तो इस पैटर्न को जोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको फिर से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करने के बाद में दोस्तों आपको क्या देखना है, देखिए ये जो आपकी कंधे का जो मार्जिन है मतलब मुड्ढे का आरमोल का जो निशान है, इस निशान से अंदर की तरफ आपको 1.5 इंच पर मार्क इस तरीके से लगाना है। और लगाने के बाद में दोस्तों ये जो नीचे वाला पॉइंट आपका बन रहा है, इस पॉइंट से 4.5 इंच अंदर की तरफ इस प्रकार से निशान लगाना है। और लगाने के बाद में इस निशान को और इस निशान को आपस में क्रॉस करते हुए मिला दें। ये हमने मिला दिया और मिलाने के बाद दोस्तों हम सेम निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये जो बीच वाला पीस निकला है इसे तो हम एक साइड रख देंगे और ये जो दो पीस निकले हैं इन पर हम काम करेंगे। तो काम करने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत होगी अपनी 3 इंच चौड़ी पट्टी की, जो कि हमने आपको शुरू में ही बताई थी। इसकी लंबाई भी हमने ज़्यादातर ली हुई है, लेकिन ये दो पट्टियाँ हैं क्योंकि अलग अलग दो पार्ट हैं तो दोनों पर दो पट्टियों का काम होगा। तो चलिए मशीन पर। तो दोस्तों हमने अपनी 3 इंच चौड़ी पट्टी को प्रेस से इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद में जो ये बंद वाला हिस्सा है इसको हम अपने पीस के ऊपर सेट करेंगे। तो इन पीसों में से हमने अपना एक पीस ले लिया है और बंद वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखेंगे, मार्जिन वाला हिस्सा कट की तरफ को। तो ऐसे करके रखने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर अपनी फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से प्लेट डाल दी है और इसी तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक पूरी फ्रिल तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपनी पूरी एक साइड पर फ्रिल बना ली है। इसी तरीके से दोस्तों हम अपनी दूसरी वाली साइड पर भी फ्रिल को तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों ही साइड पर हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपनी जो फ्रिल है वो बना ली है। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहिए तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर लें, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इनमें जो बीच वाला पैटर्न जो हमने निकाला था काट के, इनको साइटों पे इस तरीके से जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए दोस्तों इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने ये जो सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर सेम सिलाई लगाकर दोनों पीसों को इस तरीके से अटैच कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों ही पीस अटैच करने के बाद में कितना खूबसूरत जो हमारा पीस है बनकर तैयार हो गया है। मार्जिन दोस्तों आपका अंदर की साइड रहेगा और फ्रिल आपकी बाहर की साइड दोनों तरफ रहेगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके सामने बनकर आ गया है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका जो कट है, इस कट को आपको कुर्ती का जो नीचे वाला पार्ट था इसमें जॉइंट कर देना है। जॉइंट कैसे करेंगे, पहले तो आप इसमें 20 सेंटर का कट लगा दें इस तरीके से, और इसके बाद दोस्तों इसको मिलाने के बाद में इसमें भी आप एक 20 सेंटर का कट लगा लें। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से खोलना है और खोलने के बाद पहले आप अपनी कुर्ती वाले पार्ट को नीचे रखें और फिर इसके बाद इस दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से उल्टा करके इसके ऊपर रखें, नीचे वाला पार्ट सीधा ऊपर की तरफ और ये ऊपर वाला ऊपर की तरफ उल्टा। तो कट से कट मिलाकर इस तरीके से आप रखेंगे और रखने के बाद में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच कर देंगे। तो दोस्तों साइड वाले पैटर्न अटैच करने के बाद में हमने यहाँ पर अपने नेक में बाव टाई और कुछ बटन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी ये काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे आप अपने लिए एक बार ट्राई ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।